नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पापा जी, मैंने आपको इतना समझाया था कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी आप समझते क्यों नहीं है? सुजाता ने अपने ससुर महेश्वर जी से झुंझलाते हुए कहा। महेश्वर जी किसी छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाए हुए बहू की डांट सुन रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी, महेश्वर जी को अपनी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था, लेकिन पिछले दो बार से वो ऑपरेशन करवाने के लिए जाते थे और हर बार घबराहट के कारण उनका बीपी इतना बढ़ा हुआ आता था कि डॉक्टर वापस उन्हें घर भेज दे रहे थे। महेश्वर जी शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े लापरवाह थे। वो हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाइयों के नाम से ही दूर भागते रहते थे। छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो दवाइयां लेना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। वो कहते थे कि किसी भी बीमारी को वक्त देने से बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हमारा शरीर बीमारी से लड़कर उसे दूर भगा देने में सक्षम होता है। हर छोटी छोटी बीमारी में दवाई लेने की क्या जरूरत है? अब ऑपरेशन तो करवाना ही था, लेकिन बार बार डॉक्टर उन्हें घर वापस भेज दे रहे थे, जिसके कारण डॉक्टर भी उन पर नाराज हो रहे थे और घर वाले भी झुंझला रहे थे। सुजाता के साथ ही महेश्वर जी का बेटा अतुल भी उन्हें समझाने लगा। पापा, ठीक ही तो कह रही है सुजाता, हम सब आपके साथ है ना, डॉक्टर ने भी आपको समझाया, फिर भी आप इतना डरते क्यों हैं? महेश्वर जी मौन ही रहे। हॉस्पिटल जाते ही उनकी घबराहट बढ़ने लगती थी, तो इसमें उनकी क्या गलती थी? उस दिन के बाद से उन्होंने महसूस किया कि बहू का व्यवहार धीरे धीरे उनके प्रति बदलने लगा है। अब वो उनसे ढंग से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला जी को बताया कि आजकल बहू का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा है। सुशीला जी ने कहा कि ये आपका भ्रम होगा, बहू तो पहले की तरह ही है। लेकिन महेश्वर जी बहुत बारीकी से बहू के व्यवहार को देख रहे थे। इधर इन दिनों ठंड बहुत बढ़ गई थी। कपकपाती ठंड में ठंडी ठंडी सर्द हवाएं दांत किटकिटाने पर मजबूर करने लगी थी। ऐसे में महेश्वर जी को खांसी हो गई। सुजाता उनके लिए काढ़ा बनाकर लाई, तो महेश्वर जी ने पीने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी ने उन्हें दवाइयां दी, तो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। सभी ने उन्हें समझाया कि डॉक्टर ने 10 दिनों के बाद ऑपरेशन की तारीख दोबारा दी है, इसके लिए उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन महेश्वर जी तो एक ही रट लगाए बैठे थे कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए कोई दवाई नहीं लूंगा, ये खांसी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। वह दिन रात खांसते रहते। कभी कभी तो रात को खांसी इतनी तेज हो जाती थी कि बेटे बहू की नींद भी टूट जाती थी। अतुल कई बार रात को घबराकर उनके कमरे में आ जाता था। इस तरह सभी घर वालों की नींद खराब हो जाती थी। ऐसे समय महेश्वर जी देखते कि बहू के चेहरे पर नाराजगी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। एक सुबह सुजाता पूजा घर में पूजा कर रही थी, तभी महेश्वर जी को बहुत जोरों की खांसी आई। सुजाता पूजा करना छोड़कर उनके पास आई। महेश्वर जी हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए खांस रहे थे। ऐसा लगा जैसे सुजाता इतने दिनों की भड़ास निकालते हुए फट पड़ी। वो ऊंचे स्वर में बोली, कितना खांसते हैं आप? आपकी खांसी की आवाज मुझे अब चुभने लगी है। ये घर है या बीमारियों का अड्डा? लगता है आप हमें चैन से जीने ही नहीं देंगे। एक तो पहले ही आपके आंख की परेशानी से पूरा घर परेशान है, ऊपर से आपकी यह खांसी, मन करता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। लगता है इस घर में मैं पागल हो जाऊंगी। आपकी खांसी ने हमारी नींद तक हराम कर रखी है। इस घर में 2 पल को शांति नहीं मिलती है। बहू के ताने सुनकर बूढ़े ससुर जी की आंखें डबडबा गई। सुजाता मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। आज से पहले उन्होंने सुजाता के मुंह से ऐसी कड़वी बातें कभी नहीं सुनी थी। बहू की बातों से उन्हें गहरा धक्का लगा था। उनका चेहरा एकदम उतर गया था। वो सोचने लगे कि अब सचमुच बुढ़ापा आ ही गया। मैंने जिंदगी भर रिश्तों को संवारने में कितनी मेहनत की। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो उसकी पत्नी को भी बहू नहीं बल्कि बेटी समझकर प्यार दिया। ना तो उस पर कोई बंदिशें लगाई, ना ही अनचाहे नियमों के बोझ तले उसे दबाया। वह भी तो आज तक कितने सम्मान के साथ मुझसे बात करती थी, लेकिन अब शायद मैं सचमुच अपने ही घर में बोझ की तरह हो गया हूँ। तभी तो बहू ने मुझे ऐसी बातें सुना दी। सोचते हुए महेश्वर जी के आंखों से आंसू टपकने लगे थे। फिर वो सोचने लगे, माना कि बूढ़ा हो गया हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू को मेरा अपमान करने का अधिकार मिल गया है।
अब उनके मन में गुस्सा भरने लगा था। उन्हें फिर से जोरों की खांसी आ गई। खांसते खांसते वह सोचने लगे, आखिर बहू की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। ऊपर से यह कमबख्त खांसी भी जल्दी से ठीक ही नहीं होती। सबसे पहले तो मैं इस खांसी को ठीक करता हूँ, उसके बाद बहू से पूछता हूँ कि मेरी खांसी उसे क्यों चुभती है। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला जी को आवाज लगाया। वो कमरे से बाहर आई तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरे लिए काढ़ा बनाकर ले आओ। सुशीला जी हैरानी से बोली, आप और काढ़ा पियेंगे? महेश्वर जी झुंझलाते हुए बोले, क्यों मैं काढ़ा नहीं पी सकता क्या? उनका गुस्सा देखकर सुशीला जी बोली, अच्छा अच्छा मैं काढ़ा बनाकर ले आती हूँ। थोड़ी देर में सुशीला जी काढ़ा बनाकर ले आई। महेश्वर जी ने काढ़ा पिया, कपड़े बदले और तैयार होकर कहीं चले गए। सुशीला जी उन्हें रोकती रह गई कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी 10 मिनट में आ जाऊंगा। आधे घंटे के बाद महेश्वर जी घर आए तो उनके हाथों में दवाइयों के पैकेट देखकर सुशीला जी पूछने लगी, यह क्या है जी? महेश्वर जी बोले, मैं डॉक्टर के पास गया था और खांसी की दवाइयां लेकर आया हूँ। अब से बिना बोले समय पर मुझे दवाइयां देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर उन्होंने दवाई उनके हाथों में पकड़ा दिया। सुशीला जी आश्चर्य का भाव लिए हुए पति के चेहरे की ओर देखती रह गई। महेश्वर जी उनसे नजरें मिलाए बिना वहां से चले गए। उस दिन के बाद से महेश्वर जी ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनकी खांसी छूमंतर हो गई। हाँ, इस बीच उन्होंने बहू से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब वो उनके सामने आती थी तो वो वहां से उठकर चले जाते थे या फिर उसकी तरफ देखते ही नहीं थे। सुजाता भी उनके व्यवहार में आए इस परिवर्तन को महसूस कर चुकी थी, लेकिन वो खुद आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। इधर उनकी आंखों के ऑपरेशन की तारीख भी नजदीक आ गई थी। इस बार महेश्वर जी अपने ऑपरेशन के लिए भी मन कड़ा कर चुके थे और वह निर्णय ले चुके थे कि इस बार मुझे घबराना नहीं है। उनके ऑपरेशन वाले दिन सुबह से ही सुजाता रसोई में घुसी हुई थी ताकि समय से ससुर जी को नाश्ता बनाकर खिला सके। महेश्वर जी अभी भी बहू से मुंह फुलाए हुए थे। नाश्ते के बाद सुजाता ने अपने ससुर जी से कहा, पापा जी आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश्वर जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी ही बेरुखी से मुंह फेर लिया। सुशीला जी सारा दृश्य देख रही थी और इतने दिनों से ससुर और बहू के बीच में चल रही इस खींचातानी को महसूस कर रही थी। सुजाता चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। सुशीला जी से रहा नहीं गया, वह महेश्वर जी के पास आई और उनका हाथ थामते हुए बोली, सुनिए जी मुझे पता है कि आप बहू से नाराज हैं। महेश्वर जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें यह तो नहीं पता होगा कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा था? उसने मुझसे कहा था कि आपकी खांसी मुझे बहुत चुभने लगी है। क्या यही दिन देखने के लिए हमने बहू को इतना प्यार दिया था? सुशीला जी ने धीरे से कहा, आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम है इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। महेश्वर जी चौंकते हुए बोले, पूरी सच्चाई? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो। सुशीला जी ने कहा, वो आपका ऑपरेशन होने वाला था ना, तो डॉक्टर ने बताया था ना कि ऐसे समय में खांसी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आपको खांसी हो गई थी और आप दवाई भी नहीं लेना चाहते थे। हमने तो आपको प्यार से समझाया भी था लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते थे, इसलिए बहू ने जानबूझकर उस दिन आपको ताना मारा था ताकि आप गुस्से में आकर अपनी खांसी का इलाज करवाएं और जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे ऑपरेशन आराम से हो जाए। बहू ने जो भी कहा वो आपके भले के लिए ही कहा। पत्नी की बात सुनकर महेश्वर जी स्तब्ध रह गए और कहने लगे, यह बहू भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अब मुझे क्या पता था कि वो मेरी भलाई के लिए ही सोच रही है। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सुशीला जी हंसते हुए बोली, अगर मैंने बता दिया होता तो क्या आप इस तरह से अपनी खांसी के पीछे पड़ते? शायद नहीं। बहू ने भी मुझे कुछ भी बताने से मना किया था, उसने तो कहा था कि ऑपरेशन होने के बाद ही मैं आपसे यह सब कहूं, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इसी तरह आप ऑपरेशन भी ठीक से करवा ले। लेकिन मुझे लगा कि आप ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में आपको खुशी खुशी जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सच्चाई बता दी। सच्चाई जानने के बाद महेश्वर जी की आंखें खुशी से गीली हो गई थी। उन्होंने तुरंत सुजाता को अपने कमरे में बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बहू मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बेरुखी से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारी सास ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की।
दरवाजे पर खड़ा अतुल मुस्कुराते हुए सोच रहा था, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है जो मेरे माता पिता का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। आज उसके मन में अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया था। उस दिन महेश्वर जी का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया। इतने दिन से चल रही जद्दोजहद का अंत हो गया था और अब सभी राहत महसूस कर रहे थे। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे में उन्हें समझाने के लिए थोड़ा मुश्किल रास्ता भी चुनना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग जब अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें समझाने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।